दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मुमताज अली भटनोसा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये हमारा मुमताज अली भटनोसा चैनल है, जो हमारा सेकंड चैनल है। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सेकंड चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल पे जो भी हम वीडियो डालते हैं, वीडियो देखें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पे डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों आइए, हम जैसे कि हमेशा प्रोग्राम की जानकारी अपने सेकंड चैनल मुमताज अली भटनोसा चैनल पर डालते हैं, फिर डालने जा रहे हैं। दिनांक 10 मार्च दिन शुक्रवार सन 2023 के प्रोग्राम की जानकारी मैं डालने जा रहा हूं। 10 मार्च दिन शुक्रवार सन 2023 का जो हमारा प्रोग्राम है दोस्तों, ये अमेठी ज़िले में होगा। अमेठी ज़िले के अंदर एक गांव है रिवई का पुरवा, रिवई के पुरवा में हमारा प्रोग्राम होगा। दोस्तों ये फुर्सतगंज से अकेलवा रोड पर पड़ेगा रिवई का पुरवा, तिनेरा के पास रिवई का पुरवा है। गांव रिवई का पुरवा है, पोस्ट तेंदुआ है, थाना फुर्सतगंज है, नारकोटी मतलब, और तहसील तिलोई है, और ब्लॉक बहादुरपुर है, जिला अमेठी है। दोस्तों आइए, हम घर मालिक से हमारे सुरेश कुमार कोरी हैं, आदमी सुरेश कुमार कोरी जी के यहाँ हमारा प्रोग्राम होना है। तो आइए, हम घर मालिक का नंबर दे रहे हैं, नंबर नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अगर हमारा प्रोग्राम देखना हो तो। 79 82 63 0 99 4 मतलब 7 9 8 2 6 3 0 9 9 4 ये नंबर है। आइए हम आपको दूसरा नंबर दे रहे हैं, दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, हो सकता है उस समय ये नंबर रिसीव ना हो सके, ना उठा सके, बात अगर ना हुई तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए दूसरा नंबर भी दे रहा हूँ, ये नंबर भी आप नोट कर लीजिए। 96 70 67 61 94 मतलब 9 6 7 0 6 7 5 9 9 4 ये नंबर है। दोनों नंबरों को नोट करके अपने पास रख लीजिए और आराम से हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए निकलें। अगर आप कहीं रास्ता भटक रहे हैं, कोई परेशानी हो रही है, तो आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इसी नंबर पे कॉल करके आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, प्रोग्राम की जानकारी कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहाँ पर लगा हुआ है, कौन से गांव में लगा हुआ, कौन से ज़िले में लगा है, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा 10 मार्च दिन शुक्रवार सन 2023 के प्रोग्राम की जानकारी देने का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप से मैं पुनः हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारे सेकंड चैनल मुमताज अली भटनोसा चैनल को आपने
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे, बिल्कुल मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लगेगा दोस्तों आपका, इसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। धन्यवाद। इन्होंने हमारी जान बचाई है और ये बेचारी अनाज है, इनका सहारा देने वाला कोई नहीं, इनके माता पिता आज भी जिंदा नहीं है, हम इन्हें अपनी पटवारी बना लिए। अरे बना लिया, देख नहीं रहे हो? चलो राजमहल और महारानी अक्का से बता देना कि महाराज शिकार खेल कर वापस आ रहे हैं। सिवाई समझने की कोशिश करो, अभी हम इस बियाबान जंगल में थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद आएंगे। अरे तुम यहाँ से जाओ, हम इसी बियाबान जंगल में अपनी सुहाग रात मनाएंगे। सुहाग रात अरे सिवाई सुहाग रात देखा नहीं जाता, मनाया जाता है। चलो यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। किसे पूछ रहे हो? दमयंती, ये अपने राजदरबार का मोड़ा का सिपाही है, ये क्या बोल जाए इसे मालूम नहीं। खुद चलो, हम इसी बियाबान जंगल में थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने राजमहल वापस चलेंगे। अभी तुम गए नहीं? अरे तुम जाओ बाबा यहाँ से। चलो चक्कर जी, थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद फिर हम वापस। रानी भाई बेटी जहाँ जन्म लेती है उनका भोजन वहाँ नहीं बल्कि किसी दूसरे के यहाँ होता है। हाँ बाबू जी, क्योंकि बेटियाँ ठराई जो होती है बाबू जी, ना बेटियों का महत्व पूरा होता है ना ससुराल ही पूरा होता है, सारा जीवन अधूरा ही रहता है, आधा जीवन वहाँ आधा जीवन यहाँ। हाँ बेटी, लेकिन बाबू जी छोड़िए, सबसे पहले आप इन्हें भोजन कर लीजिए, उसके बाद आप खेतों की तरफ निकले, अभी तक भोजन नहीं किया है। हाँ बेटी, लेकिन भोजन बनाकर आई हूँ, रखा हुआ है। चलो बेटी, सबसे पहले भोजन करते हैं, उसके बाद फिर खेत की तरफ जाइए। आपको भी भूख लगी है, सबसे पहले तुम बाजार जाओ, सब्जियां लेकर आओ, सब्जी खत्म हो गई है, सब लेकर आए हो। मैं पागल हूँ, खाना मैं कमाती हूँ, तुम्हें कैसे पता? तुमने लगा